मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना सेकंड चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने क्या है डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किससे रिलेटेड होंगी, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होंगी, तो पहले हम थोड़ी पीरियोडिक टेबल बनने की हिस्ट्री जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल का आइडिया आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक जो है एक फ़िलोसोफ़र थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है। उन्होंने 3000 BC में एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना हमारे अर्थ पे, सॉरी जितना भी कुछ भी जो कुछ भी है ना हमारे अर्थ पे, वो किसका बना हुआ है, एलिमेंट्स का बना हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन सबसे पहले एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किसने किया, एरिस्टोटल ने किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस टाइम जो एलिमेंट्स की बात की थी वो एलिमेंट्स थे हमारे अर्थ, फायर एंड एयर की बात की थी, ठीक है। जब उन्होंने एलिमेंट्स वर्ड को डिस्कवर कर दिया तो उसके बाद क्या है, बहुत सारे एफर्ट्स किए जाने लगे, ठीक है, और बहुत सारे नए एलिमेंट्स जो है इस अर्थ पे जो फाइंड आउट होते हैं, या फिर जिन जिन एलिमेंट्स से हमारी अर्थ बनी हुई है उसके बारे में और भी जो है साइंटिस्ट का इंटरेस्ट बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जॉन डोबेरिनर, ठीक है, 1817 में उसने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइएड का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसमें से जैसे उसने क्या किया, तीन ग्रुप बना दिए, उसमें से दो ग्रुप मैंने आपके यहाँ लिखे हुए हैं। उसने लिथियम सोडियम पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को एक ग्रुप में रखा, ठीक है। और उसने क्या कहा यहाँ पर कि जो इन सीरीज का जो सेंट्रल वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, बाकी जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनके सम के एवरेज के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, उनके एवरेज के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होने की वजह से जॉन डोबेरिनर के कुछ इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूलैंड आया जिसने अपना क्या दिया, एक लॉ दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने क्या किया, इसने ना एलिमेंट्स को ना अरेंज करके रख दिया और इस तरह अरेंज किया कि हर एक आठ एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आ रहा है ना, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव मतलब हर आठ एलिमेंट के बाद क्या है, प्रॉपर्टी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। उसके बाद 1869 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1869 में एक प्रोफेसर हुए, ठीक है, रशियन प्रोफेसर जिनका नाम था मेंडलीव, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट किया, ठीक है, क्या करने में, एलिमेंट्स को क्या करने में, अरेंज करने में, क्लासीफाई करने में, ठीक है। उनका बेस क्या था, उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासीफाई किया, अरेंज किया, किस बेसिस पर, उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पर। इंपॉर्टेंट है, जब मेंडलीव आया तो मेंडलीव ने कहा कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, एटॉमिक वेट के। इसलिए जब इसने अरेंजमेंट किया, अपनी पीरियोडिक टेबल दी, तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज किया, उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पर क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। साथ ही साथ उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ ना गैप्स छोड़ दिए, ठीक है, और वो गैप किस लिए थे, उन एलिमेंट्स के लिए थे जिनका एटॉमिक वेट तो नॉन था लेकिन उनके नाम जो थे डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स के लिए उसने क्या कर दिए, कुछ अपने जो पीरियोडिक टेबल में है स्पेस भी छोड़ दिए, और उन एलिमेंट्स को इसने क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया, क्योंकि उसका मानना ये था कि जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके सिमिलर होंगी, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसलिए वो जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसको इसने नाम क्या दे दिया, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशन, और मेन जो इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसने क्या है, एटॉमिक वेट के बेसिस पर जो था उनको क्लासिफाई किया। तो आज के टाइम में जो हम पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं, जो किसने दी थी हमें, 1912 में मोसले ने दी थी, ठीक है, जिसको हम, जो किसके ऊपर बेस थी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस थी, ठीक है। तो मोसले ने क्या कहा कि जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड ना करके वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, एटॉमिक नंबर के क्या रहती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती हैं, ठीक है। जब वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर क्या किया, उसने अपनी पीरियोडिक टेबल वो देने लगा, तो उसने ये देखा कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है,
वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, सेम ग्रुप में क्या करते हैं, फॉल आउट करते हैं। तो इसी मेथड का यूज़ करके, इसी प्रोसेस को यूज़ करके उसने अपनी एक क्या दी, टेबल दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो हम उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें बात करूँ तो उसमें क्या है, कुछ हॉरिजेंटल लाइन है, ऐसे लाइंस हैं हॉरिजेंटल, और कुछ क्या बने हुए हैं, ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं। जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर किसी ने पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखी है तो हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है, दिस वन, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है जो ऐसे बनी हुई हैं, ये वाली, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। और ये जो ग्रुप हैं, ये जो वर्टिकल जो हमारे पास जो वर्टिकल जो हमारी लाइंस हैं जो बनी हुई हैं, जिनके अंदर एलिमेंट्स इकट्ठे हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो उसके अंदर टोटल 7 पीरियड्स हैं। टोटल कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, और टोटल 18 क्या है हमारे पास, क्या है, ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियड की, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड जिसमें क्या है, एन की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, और वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है। दैट मीन्स यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो है ये क्या है, हीलियम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में एन की वैल्यू होती है 2। अगर एन की वैल्यू 2 है तो कौन कौन सी दो ऑर्बिटल होंगी, 2s और 2p। एस के अंदर क्या है हमारी, एक ऑर्बिटल होती है, और पी के अंदर टोटल 3, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास, सेकेंड पीरियड में 4 ऑर्बिटल होगी, और 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, ठीक है। इसीलिए टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंड पीरियड में, टोटल 8 एलिमेंट्स क्या रहते हैं हमारे सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड में अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पीरियड में एन की वैल्यू रहती है 3। 3 के लिए एक एस का जो है हमारा सबशेल होती है, एक 3p रहती है, एक 3d। लेकिन इस 3d की एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। हायर होने की वजह से जब एन की वैल्यू हम 3 लेकर चलते हैं तो ओनली 3s और 3p ऑर्बिटल क्या होती हैं, इसके अंदर काउंट होती हैं, ठीक है। तो अब एस के अंदर टोटल एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 है, तो टोटल कितनी ऑर्बिटल होगी, 4। 4 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। इसलिए जब n की वैल्यू 3 होती है हमारी, दैट मीन्स थर्ड पीरियड के केस में भी हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब n की वैल्यू 4 की बात करते हैं तो 4 ऑर्बिटल, जब फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, फोर्थ पीरियड में n की वैल्यू रहती है 4, टोटल 4 जो है हमारे पास सबशेल होती हैं, 4s, 4p, 4d, 4f। लेकिन 4d और 4f जो होते हैं हायर होते हैं एनर्जी में, ठीक है। तो हायर होने की वजह से ये क्या है, इस ग्रुप में काउंट, इस पीरियड में काउंट नहीं होते हैं। लेकिन जो 3d था, जो पीछे वाली ऑर्बिटल का था, वो पीछे वाले पीरियड का था, वो इसके अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो जब मैं फोर्थ पीरियड की बात करती हूँ तो उसके अंदर 4s, 4p और 3d सबशेल होती हैं, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए फोर्थ पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, 18 एलिमेंट्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर होता है 19 to 36, दैट इज पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, ठीक है। फिफ्थ पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स रहते हैं। सिक्स्थ पीरियड की बात करूँ तो 32 एलिमेंट्स रहते हैं, और सेवन्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 23 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और बाकी अभी तक क्या है, अनडिस्कवर्ड हैं, या फिर मैं बात करूँ अगर वो डिस्कवर्ड हैं तो उनके जो है नाम जो है अभी उनको नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, सेकेंड में 8, थर्ड में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, ठीक है, सिक्स्थ में कितने हैं, 32, और उसके बाद सेवन्थ में भी कितने हैं, 32। तो ये 2, 8, 18, 32, ये कॉमन हो गया ना। तो इन चारों को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स, क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर्स, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन किसके ऊपर, पीरियड्स के ऊपर, ठीक है। कल के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो किसका डिस्कस करेंगे, 18 जो ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या कर दिया है, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है हम बोलते हैं, ठीक है। और एक एफ ब्लॉक है जो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, डी ब्लॉक से ही जिनको क्या किया गया है, ड्राइव किया गया है, ठीक है। तो टोटल 7 पीरियड हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आ सकते हैं, सेकेंड में 8 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, थर्ड में भी 8 हैं,
फोर्थ में 18 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फिफ्थ में 18 है, सिक्स्थ में 18 है, और सेवन्थ में भी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 32 एलिमेंट्स क्या है प्रेजेंट है। तो 2, 8, 18, 32 को हम क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।